अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। आमीन सुम आमीन। सहरा बरकत जी ना, वो जनाब अपने आटे में जनाब स्पेशल घी जो है देसी, वो जनाब डाल दी। क्या बात है, क्या बात, कल्ले कल्ले ये घी हमने जमा किया था जब हमारे पास भैंस थी ना, तब ना भैंस हमारी बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना इसको घी दें दूध में डाल के, और एक नई कोई चीज़ थी वो, तो उससे ये ठीक हो जाएगी। फिर तकरीबन 2-2.5 किलो था, तो फिर हमने भैंस को खिला दिया ताकि हमारी भैंस ठीक हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा रह गया, तो अब मैंने सोचा ये मैं खा लेती हूँ, किसी और ने तो बना के कुछ देना नहीं है, अपनी ख्याल से इसका ख्याल खुद ही बंदा करो जी, करो करो करो, घी भी थोड़ा, आटा भी थोड़ा, पेट भी थोड़ा। अभी जना वैस साहब जो ना अपने बकरों को खिला रहे हैं जना स्पेशल वाले चावल, खा गए वो तो तेज रहा, शाह ही खा जाते रहे, जेड़ी शाह दे भी वही खा जाते रहे। अभी जो है ना जनाब, कल शाम का भी लोग हमने आगे से स्टार्ट कर लिया, सालन हमारा रेडी हो गया और रोटी हम बनाने लगे हैं। आज हम बाहर रोटी बना रहे हैं शाम की, और ज़बरदस्त वाली करके बना रहे हैं, हो नहीं गया सबका मुँह लटका हुआ है कि वैस साहब कहते हैं मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। मैंने बोला है कि आपको बाहर भेजेंगे तो गोरी को जो है ना वो जनाब आपकी कोई पसंद करवाते हैं बाहर, तो उसके साथ आपकी शादी कराएंगे, एक पक्के हो जाओगे, एक डॉलर कमाओगे, एक हमें ही बुला लेना फिर। लेकिन वो कहता है नहीं मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। उसको जल्दी है शादी करने की, जल्दी हाँ। शादी हो जाए। आप क्या मैं तुम आके चक पड़ गया है, अच्छा नहीं करवा दे, पुत्र नहीं करवा दे, तेरे डंडा ही रहने देंगे तेनू। कहाँ जनाब, कौली साइड से कर रही है, चोनू गया उन्होंने कि साइड से हो जा, तुसी हो गया, चल खा ला, आ जा थले आ जा थले आ। काफी दिन के बाद रोटी बना रही हूँ ना, तो अभी मुझे जैसे समय लेके जैसे रोटी बनाने भूल गई, तो अजीब सा लग रहा है। और एक मिनट से आया हुआ था, इंडिया से है हमारी सिस्टर, वो कह रही थी कि आप इतनी बड़ी रोटी कैसे बना लेते हैं और कैसे खा लेते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी रोटी बनती है और यही खाई जाती है इतनी बड़ी। यहाँ जनाब पहले हम कर रहे थे खाना वगैरह, अब आ गए हम अंदर। अंदर क्यों आया तेरा बरकत भाई? हवा बहुत तेज चल रही थी, तो जो आग है ना वो लग ही नहीं रही थी, सेक लग नहीं रहा था मेरे को, तो मैंने कहा अंदर ले चलते हैं, रोटी भी देखे बिल्कुल सूख गई है, इस तरह की हो गई है, अपने बकरे के साथ। और तेरा बरकत ने भी जनाब बाहर कदम रखने, शुक्र है कोई बाहर दवा भी ले तो, अंदर ही डिग्गी पई है टाइम, अंदर ही डिग्गी पई, अंदर डिग्गी बोलते ने बाहर ठोको नहीं सारा जिंदगी, बाहर पे बैठे। अच्छा फिर ठीक है, तो माशाल्लाह बारिश आने के काफी ज्यादा इम्कान बन रहे हैं, बादल वगैरह छाए हुए हैं हर तरफ, इधर उधर उधर यहाँ वहाँ सब, इतनी ज्यादा धूप होती है पूरे सहन में, कोई ऐसी छांव वाली जगह नहीं बंदा जहाँ बैठ जाए, अब कमरे में बैठना है सारा दिन। अभी माशाल्लाह से मौसम इतना जबरदस्त हुआ है, प्यारा हुआ है, हवा चल रही है, बादल छा गए हैं तो बाहर आ गए हैं ना, तो ऐसे धूप में तो नहीं ना अब जला जाता। चलो ठीक हो गए, ठीक हो गए, तू की इन्होंने ड्रामे कर रहे हैं, क्यों गंदिया हाथों से लड़ाई जा रहे हैं पोत्रो, खा रहे छिदन नु राम होता है, उन्हें जुआ पै गई। 5 hours later वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था रात को कि आप क्या मुसलमान नहीं है, आपने नियाज वगैरह कुछ नहीं बांटी या नहीं दी, तो मेरी बहन मेरे भाई आप वीडियो अगर नहीं बनी उसकी तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी जितना हमसे हो सका हमने थोड़ा बहुत किया है, सीधी बात है, सीधी बात है, ज्यादा नहीं किया, बस 2000 की लिमिट में जितना हो सका है ना वो हमने कर दिया था, तो हम बाकी आप ऐसा ना कहा करें कि आप मुसलमान हैं, नियाज नहीं दी, ये नहीं वो है, हर चीज़ की मतलब कि वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होता। तो फिर तेरा और वैसे उधर ही गांव में ही गए थे, तो उधर ही मैंने कर दिया था, और मोबाइल फिर मेरे पास था, दूसरा मोबाइल है वो जनाब ख़राब हो गया वैसे वाला, तो वरना क्लिप वगैरह भी ऐड कर देते हम, बाकी अल्लाह ताला करम करेगा। क्यों तेरा बरकत? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी ने अपने अल्लाह को खुश करना है, हर कोई मुसलमान है, मुसलमान हैं तो सब, जितने भी बहन भाई हैं मुसलमान हैं सब करते हैं, हमने भी किया जितना हमसे हुआ, तो ऐसी बातें नहीं है करनी चाहिए, बुरी बात होती है। हाँ नहीं मतलब हमें थोड़ा बहुत अजीब इसलिए लगा कि आप जब आप लोगों ने कहा कि आप मुसलमान नहीं, आपने नियाज नहीं की, मतलब कि आप मुसलमान नहीं हैं, आपने नियाज नहीं की, बंदा वैसे भी एक ना एक मीठे मीठे लफ्जों से पूछ सकता है, भाई आपने क्या, आपने नियाज नहीं की,
मुसलमान काफिर ये मिलाना अच्छी बात नहीं है। बाकी अल्लाह ताला आपको भी दे, हमें भी दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमें भी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तुहानू काला कर 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 के दलील हो गया बैग ही फटी मैं क्यों पता नहीं दिया दिया के पैसे पला लाने पांच सौ पला ओ थे रोटी बनती पी आई लाया हमने यार घर नहीं मैं जो आंदा पे बनती पी आई कोई नहीं बनती पी आई उन्होंने अभी कॉल की आई हाँ पैसे आना मोबाइल सेट करवा देने पुत्र तेन कुछ दिन ठहर जाए करी हिसाब किताब लगता है पुत्र कर देने ना अल्लाह का हुक्म पुत्र फिर ना रख उत तेन मैं पहले कर तेन तेरे वास्ते लिया तेरी मां वास्ते लिया उन्हें नहीं रखना चल चल फोट तू चल साइड दे काफी मारे बहने हैं जो मतलब कमेंट्स कर रही थी और ऐसे व्हाट्सएप पे भी मतलब के पर्सनली पूछ रही थी कि आपका बेबी कब आने वाला है इतने दिन हो गए हैं आप तो कह रहे थे आज है कल है वो दरअसल बात यूं हुई कि एक दिन तारा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी हम चले गए डॉक्टर के पास उकाड़ा जिससे मतलब टेस्ट वगैरह करवा रहे थे सब कुछ करवा रहे थे लेकिन वो उस रात मतलब रात का टाइम था 8-9 बजे का वो मतलब उस टाइम में छुट्टी पर थी ठीक है उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती आप किसी और से चेकअप थोड़ा करा लें तो अगर ऑपरेशन होता है जो भी होता है आप मतलब कि फिर खुद करें मतलब कि मैं इस वक्त नहीं आ सकती मेरी इमरजेंसी है तो मैं नहीं आ सकती कहीं गई हुई थी तो फिर उसकी वजह से हम किसी और डॉक्टर के पास गए लेडी डॉक्टर के पास उसने हमें बताया कि भाई 2 या 3 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा ठीक हो गया और उसने कुछ मेडिसिन लिख कर दी वो मेडिसिन मतलब कि खाई वो पेन वगैरह जो भी था ना वो मतलब ख़त्म हो गया फिर हम 2-3 दिन के बाद उसी डॉक्टर के पास गए जिससे मतलब हम चेकअप करवा रहे थे उस डॉक्टर के पास नहीं गए जिसने मतलब कहा था कि 2 या 3 दिन लगेंगे ऑपरेशन हो जाएगा उसके पास गए उसने मतलब कि चेकअप किया तो उसने कहा कि भाई अभी तो तकरीबन 1 हफ्ता बाकी है ठीक हो गया 1 हफ्ते के बाद मतलब कि ना ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा जो भी होगा वो होगा तो वो मतलब कि सही कह रही थी लेकिन जिस रात वो छुट्टी पर थी किसी दूसरी डॉक्टर के पास गया तो उसने मतलब कि हमें थोड़ा सा गलत गाइड किया जिसकी वजह से हमें ये मतलब कि कंफ्यूजन हुई कि 2 दिन है या 1 दिन है या 3 दिन है तो ये थोड़ी सी ना गड़बड़ी सही होगी। बाकी अभी कल फिर गए थे डॉक्टर के पास उसने आगे फिर कहा कि अभी मतलब कि ना 2-3 दिन और ठहर जाएं आप ठीक हो गए। ये मसला बना है उस डॉक्टर की वजह से जो हमें गलत गाइड कर रही थी उसने हमें जिस तरह गाइड किया उसी तरह हमने मतलब कि सबको बताया कि 2 दिन है या 3 दिन है लेकिन अब मंडे तक जो है ना ये थोड़ा सा डिले है संडे मंडे तक उसके बाद जो भी है फिर डॉक्टर के पास जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बात है ठीक अब होगी बात क्लियर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबान। बार वाला किचन हमारा जनाब इसी तरह बिखरा हुआ है अल्लाह वाले नहीं कुंज कुंज लो रात बिलियां शिलियां आदि तो काम खराब कर देंदियां। हाँ जी जेड़े 2-3 दे हैं साढ़े को कर ला फिर काले शुरू हो जाना है फिर उस तो बाद जनाब असं बहर जाना है अजकल खाब वेख रहे बहर जाने दे। हाँ जी यूके जाने दे खाब वेख रहे यूके जाने दे 60-70 लाख रुपया अवैध साहब ने भी ये भी चुका खर्चना है यूके जाने दे चक्कर यूके जाने दे बड़े हुनर हैं बहुत हुनर ने यूके जाना तो अंदर वाला किचन जो है ना वो भी सीधी गात बिखरा हुआ थोड़ा बहुत क्योंकि आज मैं कहीं गया हुआ था तो काफी लेट आया हूँ तो थोड़ा फिर संभालना मेरे बगैर कुछ नहीं है ठीक है ये बंदे बेकार बंदे हैं यार बेकार बंदे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे ये हमारा घर है इसको नहीं पता की करते हैं जमीन होते दसो वैसे गल सारा दे मंजी तरोड़ 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 के बेचारी मंजी भी आके जाने उठी नहीं बेइज्जती करा रहे हैं मेरे लोग का नहीं मेरी बेइज्जती करनी तुम कर रहे हैं कि बेइज्जती वाली केड़ी गल है वोट पैसे मेरे से बगैर तो बेकार है की करते बेकार वाली गल है आज ही मैं थोड़ा साइड दे सारी हर शय बिखरी पई है कोई मतलब सही तरह कोई चीज नहीं रखी है चलो कुंजो वीडियो आज ही मतलब कहना मैं थोड़े साइड दे वीडियो बनाओ नाल कुंजो ठीक
चलो जी कोई नहीं, करम करेगा काम वाली, निराश कर दी काम वाली, हमारी निराश होगी। अब काम वाली हमें नहीं चाहिए, ये काम वाली हमें नहीं चाहिए। तो जिसके पास कोई काम वाली होगा हमें जरूर बताइएगा, हमने जनाब रखनी है। मेरी काल सुनो, बाकी अल्लाह करम करेगा। मेरी काल सुनो, कोई गोरी सानू देख रही है ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਵਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਾਨੇ ਬਣ ਡੈਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੀ ਢੂੰਡੋ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਰੀ ਢੂੰਡੇ, ਮੈਂ ਵਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵਾ ਜਨਾਬ ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, इधर से ही मिल गई, उधर से ही मिल गई है, शादी की इजाजत वगैरह मिल गई। अल्लाह ने उन्हें लभनी है तो फिर भी कोई लभनी नहीं, कोई गाल नहीं, बिल्कुल भी किसी ने नहीं ढूंढनी, क्योंकि हम यही पर ठीक है, जो नमक मिर्च मिल रही है हम खुश हैं अल्लाह का। चलो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, तुम्हारी मर्जी की गल नहीं, तो मैं तो जान लगा सी वाकई, बाकी तारा कहती नहीं ये रोना चाहती यही थी डारियां दे, वैसा सही कहता इन्हें डारियां दे रोना, पुत्र इन्हें पुत्र डारियां दे रोना है, इतने ही कबर बननी है। चलो अल्लाह करम करती है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद इस वीडियो का ये पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो रही है, ये लोग वैसे ही आजकल हमारा लेट हो जाता है, तो आप कहते हैं कि जल्दी किया करें, जल्दी किया करें, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह जल्दी होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।